थैंक यू. पहले आचल आप बताइए. मेरा किरदार है बानो मिर्ज़ा का, और जो एक म्यूजिशियन है, कश्मीर में रहती है, और वो अपने म्यूज़िक से शांति लाना चाहती है कश्मीर में, एंड वो ला पाती है कि नहीं, आपको शो में देखना पड़ेगा. सर, मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है अजी, और इन लड़कियों का नेबर है, बचपन से इनके साथ बड़ा हुआ है. बहुत ही नॉन सीरियस टाइप का लड़का है, मर्द नहीं है. बनना चाहता है, तो उसकी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है. उसको प्यार भी होता है, उसको उसका दिल भी टूटता है, और इन लड़कियों की मदद करता है हर चीज़ में, बिकॉज ये उसको कुत्ता बना के रखती है. बट या इज़ अ फन कैरेक्टर. ही टेक्स लाइफ वेरी एज इट इज़ एक्चुअली. सो या मेरे किरदार का नाम है जन्नत मिर्ज़ा. उसे प्यार से लोग जन्नत जान कहते हैं, और ये सोचता है कि उसका नाम जहन्नुम होना चाहिए फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, वो जन्नत है. कश्मीर इज़ जन्नत, जन्नत इज़ कश्मीर फॉर मी. वो जर्नलिस्ट है, एंड शी स्पीक्स हर माइंड. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमन एंड अ ट्रू फेमिनिस्ट. उसे लगता है कि वो अपने राइटिंग से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी रीजन की, उसमें वो एक चेंज ला सकती हैं. You like what? Pets. इसने कहा मैं इसे अपना कुत्ता बनाकर रखती हूँ. तो मैं pet हो गया. ये pet है. और do you like your pet? He's asking. Oh, in general, yes, I love cats. For the first time, what was your reaction? What your voice? Well, when I got to know, it's based on Little Women. To be honest, मुझे सिर्फ पता था, मैंने कोई पढ़ी नहीं थी. Look who joined us. For it. Look who joined us. Hello. Okay, we'll move a little. So, I hadn't read the book, but I knew about it. और जब मुझे पता लगा that I'm playing the character of Joe, so for me it was like hands down, ये तो करना है. और जो बनी जन्नत. तो मेरी एक तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्किप बहुत बड़ी थी. तो पहले जो इसने आई शैल वी आई हैवंट रेड द आई हैव आया अच्छा व्हाट इज आई कांट इवन आस्क हिम हियर. नहीं ऑफ कोर्स पढ़ा है. क्या बात कर रहे हो. इस कैरेक्टर का ये हां हाजी मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है. इंग्लिश ड्राफ्ट, हिंदी ड्राफ्ट, मैंने सारे नरेशंस भी देखे. मैंने मैंने तो मैंने पहले टू बी रियली ऑनेस्ट अपना पार्ट पढ़ा था, और मुझे अपना पार्ट टेट एंड क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. अगर मुझे एक पेज पढ़ के पता लग गया कि यही है देविका भगवत एंड रेणुका रूट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट है. और मैंने आई डिडंट हैव टू रीड द होल थिंग एक्चुअली टू से यस, बिकॉज इट वाज जस्ट फैंटास्टिक एंड आई लव द स्क्रिप्ट. और अब आई होप पीपल आर गोना लाइक इट एंड पीपल आर गोना लव इट मोर देन लाइक इट. यस, सो लेट्स सी. वेल, कैन व्हाइल फाइनलाइजिंग दिस कास्ट, तो आपने किस तरीके से उसको इवॉल्व किया और क्या कुछ आपने. आई पुट जीरो अटेम्प्ट इनटू आई मीन एफर्ट इनटू फाइनलाइजिंग द कास्ट, बिकॉज द कास्ट वाज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड when I came in. So this is a project where jaise hota hai web series mein ki a producer gets the script done, then gets the casting done, and then brings in a director. So it I came in at that stage. Web series to web ha I people keep saying yeah very nice yeah ha film hai film hai. So yeah, so Kashmir के बारे में ऑब्वियसली वन इज यू नो अवेयर ऑफ, यू कीप रीडिंग अबाउट, यू कीप हियरिंग अबाउट, सो एंड इज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द इशूज अराउंड कश्मीर, सो इट इज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड. बट फॉर मी व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट वाज द इमोशनल जर्नी एंड द इमोशनल आर्क ऑफ दीज कैरेक्टर्स. द पोलिटिकल सिचुएशन इज जस्ट अ बैकड्रॉप. मेनली मनाली में शूट किया है. There was some footage from Kashmir, but the actors were all shot in Manali and Bombay. Was it because of the current political? Well, you know what happens in a shoot where you're working with limited resources and you're doing a 30-day schedule. Kya hota hai ki you cannot afford even one hour to go wrong. So with that much at stake.
तो वी थॉट इट वाज बेटर टू बी एबल टू शूट टू शूट दिस एंड तो सिर्फ मनाली में था बॉम्बे वाज अलग I just want everyone to go watch it. We've worked really hard. We've had so much fun. So even you all should have a lot of fun and tell us whether you are having fun or no and enjoy it. There's a lot for everybody. So go watch whenever it's out. I just want to say, guys, watch the trailer. I'm sure you guys are going to like it. And then watch the episodes. Just give it a try. It's going to be fun. Comment if you like it. If you don't like it, don't comment. Yeah, thank you. First of all, I want to say that those whoever has seen it, so thank you so much for watching it, first of all. Keep sharing it with people. We've made it with so much of love, blood and sweat. True story. I know. True story. So please watch it and it's going to be out really soon in February. And by then, just keep sharing the trailer, keep sharing it, keep spreading it, reposting it, retweeting it. So. Big Boss, I'm a big Boss fan. We were in Manali when it started. Yeah, I love Big Boss House though. Yeah. I've missed yesterday's episode. I'll watch it on Woot now later. Okay. Who is the winner according to you? Shilpa, Vikas, Arina. See, I know Shilpa is going to win because she will, but Vikas should win. Who is the nice person in the house? Who? Nice person. Everybody is nice. You can't say this person is bad. सब अच्छे होते हैं ओह सो बानो नो नो दिस इज द फर्स्ट सीजन सिंस सीजन 1 दैट आई हैव नॉट बीन वाचिंग बिग बॉस वी आर फैनेटिक्स मी एंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी हैव अ बिग बॉस ग्रुप्स ऑन फेसबुक ऑन व्हाट्सएप वी हैव बिग बॉस पार्टीज वेयर वी गेट टुगेदर एंड वॉच बिग बॉस सो वी आर बिग बॉस फैनेटिक्स बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव नॉट वॉच्ड No, these two don't. No, but on set we did watch, remember? The shot is ready and we're watching on our phone little bit clip, some of the clips, but I end up watching with my mother when I'm just in the hall, she's watching it all the time, so I like Shilpa. I don't know, I mean, I really like that person. Oh God, are we really talking about Huxley? Please guys watch Huxley. Huxley, February on all Balaji. Yeah, watch Huxley. Only Huxley. Big Boss will be over by then. It's going to get over the Sunday. Then what you have to watch? Huxley. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you guys. देखते हैं ना कि एक हीरो की एंट्री हो रही है या एक डॉक्यूमेंटेरियन की एंट्री हो रही है तो ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ पूरी कहानी है ताकि ऑडियंस है ना लगे रहे बस बॉस हमें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मिल रहा है देखने को तो रघुवेंद्र था पर डॉक्यूमेंटेरियन है अनफॉर्चुनेटली मुझे जितने भी रोल मिलते हैं मुश्किल से मिलते हैं और केम घोष है ऊपर से तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर के हीरो ऐसा लगना चाहिए कैरेक्टर के भानी होना चाहिए तो बहुत सारी फॉर्चुनेटली जब मैं जर्नलिस्ट प्ले कर रहा था जिद में तो मेरी बहुत सारी इंस्पेक्टर्स यू नो जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंटेरियन से मेरी बहुत सारी मुलाकातें वैसे भी हो चुकी थी तो उनसे थोड़ा फीडबैक लेना बहुत अच्छा रहता है कि आज के ज़माने के डॉक्यूमेंटेरियंस कैसे करते हैं तो आप देखेंगे कि कार्गो पैंट हमेशा रहती है उनके पास क्योंकि वो सारा सामान एक साथ लेके चलते हैं कोई बैग वैग नहीं होता उनके पास तो उनको लुक भी वैसी दी हुई है बहुत ग्रंजी मतलब तीन तीन दिन नहाते नहीं है तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा तो प्रेपरेशन बहुत है इसकी नॉनसेंस ये है कि एक क्या कहते हैं उसको जो ही मींस बिजनेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है इसके अलावा कितना ब्रेन सेंसिटिव इशू बनाया गया है महिलाओं के ऊपर सिंगिंग के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं कश्मीर का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए सब हर शूट में एक बैटल और एक फाइट रहती है कभी है ना मौसम आपका साथ नहीं देता कभी कुछ और हो जाती है प्रॉब्लम्स जैसे अभी पद्मावती के साथ इतना बड़ा हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है जैसे अभी मोहाली में मुंबई में भी ऐसा हुआ था यू नो कि बहुत सारे है ना लोग आ गए थे स्ट्रीट पे मैं देख रहा था कि ये हमारा यूथ जो यू नो 18 से नीचे की उम्र के हैं जिनको यू नो 14 साल के 12 साल के जो इनको स्कूल में होना चाहिए पढ़ाई शिक्षा करनी चाहिए ये लोग आके है ना गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं सब बकवास है मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मुझे लगता है जब तक एजुकेशन आपको है ना सही मायने में नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता हमें भी है ना कश्मीर में इतना शूट करना था उस टाइम पे कुछ है ना किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हमारी लाइफ को थ्रेट आ गया हमें है ना शूट करने से प्रॉब्लम हो रही थी क्यों मतलब इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबॉडी और ऊपर से किसी की जान जा रही है बच्चे थे यार छोटे छोटे बच्चे इट्स रिडिकुलस तो
मुझे मेरी यही मिलती है सब लोगों से कि अगर आपके कोई भी इश्यूज हैं आप आमने सामने आइए, प्यार से बात कीजिए और म्यूज़िक से अपनी कहानी कही। वो लड़की हमारे यहाँ भी म्यूज़िक से कहानी अपनी सुनाना चाहती है, अपनी आवाज़ देना चाहती है और लोग उसे सरप्राइज करें। इंडस्ट्री इतनी, आई थिंक उसमें कुछ अगर अच्छा देखना चाहें तो हमारी इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो चुकी है, यू नो। चलो हम लोग है ना बिग बॉस देखते हैं, देखते हैं कि क्या मसाला है, क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई हैव नेवर सीन अ इंडस्ट्री कम सो क्लोज अ टाइम ऑफ यू नो कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्मोइल। तो मुझे, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी कुछ दिमाग लगा के ही करते हैं, तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी इशू। एक्चुअली आई डिड अ फिल्म विद अजहर, तो अजहर में जो मैं तो कन्विंस नहीं था, जब डायरेक्टर ने मुझे दिया मैं बोला यार कौन से एंगल से मैं लगता हूँ यार वो किरदार, यू नो। बट ये कन्विक्शन एकता कपूर का, डायरेक्टर्स का, उनकी क्रिएटिव टीम का है। इस किरदार के लिए भी जब मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे अलग दिखाया गया है, यू नो, ही डजंट लुक लाइक एनी अदर कैरेक्टर। तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं दैट यू स्टैंड आउट, डिसएडवांटेज ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही स्टैंड आउट हो गया तो मतलब। बट एकता कपूर इज फैंटास्टिक, शी हैज़ दिस अटेंशन फॉर डिटेल एंड वो आपको दिखेगा। आप कैसे देखते हैं? इस साल तो मैंने 6 महीने अपने वेब सीरीज को ही करते हुए बिताए हैं ऑनेस्टली। तो मुझे अगर अच्छा रोल मिलेगा, अगर थिएटर का भी मिलेगा, मैं आलोक पदमसी के साथ था पहले, यू नो, मैं पीछे है ना स्टेज साफ करता था, मैं बोला सर काम दोगे, बोले झाड़ू करेगा, मैं बोला यस। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, आई एम ओके। विकास गुप्ता, हैंड्स डाउन विकास गुप्ता, बिकॉज देखिए मैं नॉट बिकॉज आई नो हिम, मगर हाँ यू नो जितना भी मैं जानता हूँ, अगर विकास गुप्ता ने कुछ गलत किया होता औरतों के प्रति या किसी के प्रति, तो फिर मैं बोलता बॉस, यू नो, मैं पर्सनली उसको पहले जाके बोलता मीडिया में कभी, मगर ही स्टैंड्स फॉर व्हाट इज राइट। और जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, ग्रे नहीं देखता या टीआरपी नहीं देखता, बॉस मेरे वोट वहीं जाएंगे, सिंपल है। विकास गुप्ता, विकास गुप्ता, विकास गुप्ता, विकास गुप्ता सर। नो कमेंट्स, क्या बोलेंगे उसका यार, यू नो। आपको क्या लगता है अगर आप कुछ रोशनी डालें? सर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे लिए नेशनल एंथम इतने टाइम से है, तो आई हैव ऑलवेज स्टूड अप विद प्राइड, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नहीं सर, थैंक यू, क्या मतलब।